हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कब्ज, पाइल्स और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी रेमेडी, बहुत सारी जानकारी लेके आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी लाभ देंगी। तो सबसे पहले मैंने मूली का जूस बनाया हुआ है, और किस तरह से बनाना है, किस तरह से पीना है उसके बारे में बताई हूँ। उसके बाद में भी बहुत सारी जानकारी है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमने ये 1.5 मूली लिया हुआ है, इसका हमें जूस बनाना है। तो इसका जूस हम मिक्सी जार में ग्राइंड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका फ्रेश जूस बनाऊंगी, जिससे कि मूली का जूस जो होता है वो काफ़ी कड़वा होता है। तो मूली के जूस को 50 ml ही लेना है। तो मैं जिस तरह से बना रही हूँ उससे आप एक गिलास ले सकते हैं। तो ये हमारा कद्दूकस करके मूली तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, काला नमक या सेंधा नमक डालेंगे, नॉर्मल सादा नमक नहीं ऐड करना है, जिससे कि काफ़ी मतलब अच्छा होता है। तो अब इसे क्या करेंगे, हम हल्का सा नमक को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें आप बिना पानी का जब बनाएंगे तो ये बहुत ही कड़वा होता है, तो इसे आप बिना पानी का पियेंगे तो एक गिलास जूस मूली का मतलब नहीं पी सकते हैं, जितना मैंने बताया है। तो थोड़ा सा इसमें मैं 50 ml पानी डाल देती हूँ। 50 ml पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट में इसमें जो पानी हमारा मतलब इसका मूली का पानी जो होगा अच्छे से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह ये पानी जो आप पियेंगे, तो ये पानी आप एक गिलास पी सकते हैं, मतलब 200 ml के करीब, और ये अच्छा भी लगता है पीने में और लाभ भी मिलता है इससे। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो मूली का जूस है ये निकल आया है, और इस तरह से जूस आपका जल्दी से तैयार हो जाता है। तो इसको हल्का सा मैश करना है, और मैश करने के बाद निचोड़ के इस तरह से आपको मूली का जूस निकाल लेना है। तो हमारा जूस देखिए, आधा गिलास से ज़्यादा मतलब 150 से 200 ml के बीच जूस हमारा बनकर मूली का तैयार है। तो ये फ्रेश जूस है। वैसे तो आप शुद्ध मूली का निकालेंगे तो 50 ml जूस ही पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं पीना है। और अगर ये इस तरह से बना के आप जूस पीते हैं तो 150 से 200 ml जूस आप पी सकते हैं, और ये इसका वेस्टेज है। तो इसका भी आप शहद के साथ खा सकते हैं, इसे आप सलाद के रूप में ले सकते हैं, इसे आप हल्का सा नमक डाल के फ्राई भी कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, रायते में डाल के इसे खा सकते हैं, दही में छाछ में मिला के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे इसका यूज आप कर सकते हैं। मूली जो होती है कब्ज के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इसका सेवन आप करते हैं तो ये हमारे जो पेट में जो भी समस्याएँ होती हैं सब पूरा क्लीन कर देता है। तो अब इसको हम छान लेते हैं, और छानने के बाद देखिए बिल्कुल फ्रेश जूस मूली का तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। इसे हम गिलास में डाल के बस इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा इसकी जो खुशबू है चेंज हो जाए, क्योंकि मूली का जूस पीना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप मूली के जूस को देखिए इतना पीना है आपको, ये 150 से 200 ml के बीच तैयार हो गया है बिल्कुल फ्रेश मूली का जूस। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर पिएं। करेले का जूस भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, आपको खाली पेट पी सकते हैं तो खाली पेट पी मतलब पीजिए, खाना खाने के बाद पी सकते हैं तो खाना या ब्रेकफास्ट के बाद मतलब ब्रेकफास्ट के बाद पीजिए, तो काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक रेमेडी ये भी है कि जैसे 10 ग्राम काला तिल और 12 ग्राम मक्खन, बिल्कुल ताज़ा मक्खन होना चाहिए। इसे सुबह सुबह बासी में मतलब बिना कुछ खाए खाने से काफ़ी आराम मिलता है, ब्लड वाले पाइल्स में बहुत राहत मिलती है। और 80 ग्राम अरंडी का तेल और 10 ग्राम कपूर को अच्छे से मिलाकर लगाने से उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। और आम या जामुन की गुठली को उसका पाउडर बना लें, उसे छाछ या लस्सी के साथ पीने से भी काफ़ी आराम मिलता है। और दही या छाछ के साथ कच्ची प्याज खाने से भी काफ़ी आराम मिलता है, और अमरूद खाने से मतलब कच्चा नारियल खाने से भी, अमरूद खाने से भी काफ़ी आराम मिलता है। और जैसे कि मूंग दाल आप खाते हैं तब भी काफ़ी फायदा करता है। करेले का जूस आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। और दलिया हो गया, जैसे दलिया खाते हैं आप, जौ की दलिया, गेहूं की दलिया, तो काफ़ी लाभ मिलता है। और मूली का सेवन आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको जो कब्ज रूपी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है।
तो प्याज को भी कच्चा ही खाना है, छाछ या दही के साथ रायता बना के कैसे भी आप ले सकते हैं, जिससे कि रोज़ रोज़ सेवन करते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। और इसमें खाने पीने का विशेष ध्यान देना है, तो ज़्यादा बीमारी अगर बड़ी नहीं होती है, कम होती है, तो हमारे खान पान से ही बहुत अच्छे से मतलब आराम मिलता है। और तली भुनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे कि तेल वाली चीज़ें ज़्यादा यूज नहीं करना है, डिब्बा बंद चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। तो इस तरह से आप देखिए, जब आप दिनचर्या में अपने नियमित रूप से अपना रूटीन बना लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलता है। और बहुत सारी रेमेडी हमने शेयर की हुई है, और खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी हमने शेयर किया हुआ है, तो आप उसका मतलब वीडियो देख के अपना लाभ ले सकते हैं। और ये इलायची है, इलायची से भी रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है, और तवे पे 50 से 60 ग्राम इलायची भूनकर उसे ठंडी होने दें और उसका पाउडर बना लें, फिर इसको रोज़ाना सुबह पानी के साथ लेने से काफ़ी आराम मिलता है। और किशमिश भी बहुत फ़ायदा करती है, किशमिश जैसे शरीर में कब्ज़ रहता है, और तो इसको रात में भिगो देना है 100 ग्राम किशमिश करीब से करीब, तो उसे सुबह उठ के उसे चबा चबा के खा लेना है और उसका पानी पी लेना है, उसका भी वीडियो हमने शेयर किया हुआ है। और ये नारियल की जट्टा जो होती है उसका छाछ के साथ हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, वो भी काफ़ी लाभ देती है। और ये कपूर और केला, कपूर और केला भी काफ़ी लाभदायक होता है, जैसे कि चने की दाल के बराबर कपूर लेना है और केले में उसके गुस्सा के, कपूर को खाना है मत, कपूर मुंह में नहीं लगना चाहिए इस तरह से खाना है, इसलिए उसे केले में यूज़ करते हैं। और सिकाई, हमने बहुत सारी सिकाई डाला हुआ है, तो आप सिकाई ज़रूर से ज़रूर करें, प्रेगनेंसी है तो सिकाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और म्यूसली आप खाते हैं, जैसे कि ओट्स और म्यूसली का सेवन आप अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर करें, वो फुल फाइबर होता है, वो भी अगर कब्ज होती है तो कब्ज को जड़ से ख़त्म कर देता है, तो इसलिए ओट्स म्यूसली को अपने सेवन में ज़रूर डाइट में ज़रूर सेवन करें। और ये होता है ये अंजीर, अंजीर को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, जैसे कि 2 अंजीर को शाम को भिगो दिया और उसे सुबह चबा चबा के खा लिया और उसका पानी पी लिया, तो इसका भी आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो कब्ज़ जो होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। और इसबगोल की भूसी होती है, इसबगोल को भी भिगो के उसे पहले भिगो देना है आधे घंटे पहले, और उसे बस सोते टाइम उसे पानी के साथ या दूध के साथ उसे पी लेना है, और पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको अपने आप ही कब्ज़ में काफ़ी आराम मिलता है। और खाना जो होता है, खाना हमें चबा चबा के खाना है, और ये नॉन वेज वगैरह नहीं खाना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में तली भुनी चीज़ें, मीट मांस ये अंडा ये सब बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, डिब्बा बंद चीज़ें पाउच वाली चीज़ें ये सब अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल ना करें। और कुक वेज मंजू में बस आज के लिए इतना ही, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी या नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।